हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। दोस्तों दिया है, निम्नांकित समीकरण निकाय हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। दोस्तों पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 8। उसके बाद दूसरा दिया है 5x - 2y = 16। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब फिर देखते हैं, अब इसमें वाई, दोस्तों जब विपरीत चिन्ह रहता है बराबर वाले गुणांक लिखते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर समीकरण एक और दो को जोड़ने पर। तो यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस, प्लस का यहाँ प्लस का, तो 2y 2y हो गया कैंसिल। उसके बाद जोड़ेंगे इसको, 5x और 3x कितना होगा 8x = और 16 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 24। अब x बराबर 24, अब 8 जो गुणे में था इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 8, तो 8 * 3 = 24, तो x = 3। अब रखेंगे x का मान समीकरण, चाहे फर्स्ट में रखें चाहे सेकंड में, तो ये रखते हैं समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक कितना है, एक है 3x + 2y = 8। अब दोस्तों फिर निकालेंगे इसको, 3 गुणे यक्स का मान कितना है 3 + 2y = 8। 3 * 9 = इधर प्लस में रहेगा इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2y = 8। अब ये प्लस का था इधर जाएगा माइनस का 9, y = -1/2। अब 2 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 1/2। यक्स का मान और वाई का मान आ गया। अब क्या निकालना है, उत्तर की जांच करना है। चलिए जांच करते हैं। अब दोस्तों उत्तर की जांच करने के लिए कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस सिर्फ कोई भी समीकरण एक लिख लेना है। तो लिखते हैं, तो उत्तर की जांच हम करेंगे तो लिख लेते हैं कितना है, चाहे समीकरण एक उत्तर की जांच कर ले या समीकरण दो, रखते हैं समीकरण एक। समीकरण एक है 3x + 2y = 8। तो उत्तर की जांच करेंगे, 3 गुणे यक्स का मान कितना है 3 + 2 गुणे वाई का मान कितना है -1/2 - 1/2 = 8। अब 2 से 2 हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो 3 * 3 = 9, -9, उसके बाद बचा -1 = 8। अब 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8 और बराबर 8, इसलिए LHS = RHS हमारे आंसर। अब दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन दक्षता अभ्यास 7 का है, 4x + 6y = 9। उसके बाद दिया है 4x - 2y = -11। तो इसको मान लेते हैं दोस्तों समीकरण एक और इसको मान लेते हैं समीकरण दो। देखिए दोस्तों यहाँ x का गुणांक ऑलरेडी बराबर है, तो गुणांक बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ प्लस का ये है, प्लस का ये है, जब चिन्ह समान रहते हैं तो लिखते हैं घटाने पर, घटाने पर समीकरण एक और दो को घटाने पर। तो यहाँ माइनस का, ये माइनस है तो यहाँ प्लस का होगा, यहाँ प्लस का। अब 4x से 4x हो जाएगा हमारा कैंसिल। उसके बाद अब 6 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 6 * 2 = 8y। अब 11 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। तो
वाई बराबर 20/8, इधर गुणे में था तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा 8, तो इसको काट सकते हैं हम, 4 5 20, 4 2 8 5/2, वाई का मान 5/2। तब रखेंगे वाई का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, चाहे फर्स्ट में रखें या सेकेंड में, तो चलिए रखते हैं हम वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है, 4x-2y = -11। जब y का मान रखेंगे किसी भी समीकरण में तभी x का मान ज्ञात होगा, तो 4x-2 × y का मान आया है 5/2 = -11। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो बचा 4x = ये माइनस का 5 इधर था इधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा -11, इधर माइनस का 5 होगा इधर जाएगा प्लस का 5 होगा, तो यक्स बराबर 4 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, और 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा माइनस का 6/4। अब इसको काट सकते हैं हम, 3 2 6 और 2 2 4, माइनस यक्स का मान -3/2। अब दोस्तों इसी में भी उत्तर की जांच करना है, तो उत्तर की जांच करने के लिए वही नियम लगाएंगे, कौन सा, जैसे कोई भी समीकरण एक ले लिख लेंगे, तो समीकरण एक लिख लेते हैं हम, समीकरण एक कितना है, 4x + 6y = 9। अब सिर्फ यक्स का मान रख देंगे और वाई का मान रख देंगे, तो 4 × यक्स का मान कितना है, -3/2 प्लस 6 × y का मान कितना है, 5/2 5/2 = 9। अब 2 2 4, 2 3 6, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3 2 6, -6 प्लस 3 5 15 = 9, तो 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9 9 6 15 = 9, अर्थात LHS = RHS। तो x का मान -3/2, y का मान 5/2, ये हो गए हमारे आंसर, 5 y का मान 5/2, x का मान -3/2। दोस्तों दक्षता अभ्यास 7 का तीसरा क्वेश्चन है x + y = 7 और दूसरा है 3x - 2y = 11। इसमें ना तो x का गुणांक बराबर है ना तो y का, तो किसी एक का गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण एक में हम 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे इसमें तो 2x, अब इसमें y से गुणा कराएंगे 2 में तो हो जाएगा 2y = 2×14। अब 2y और 2y गुणांक बराबर हो गया समीकरण, तो हो गया एक, दूसरा कितना है समीकरण 2, 3x - 2y = 11, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ चिन्ह विपरीत है, लिखेंगे जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ए प्लस का, तो 2y से 2y कैंसिल हुआ, उसके बाद ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 2 5x = 14, में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 25, तो x = 25। अब 5 गुणे में दर जाएगा भाग हो जाएगा 5 25, तो x = 5। अब y का मान निकालने के लिए x का मान किसी भी समीकरण में रखें, तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण चाहे एक में रखें चाहे दो में, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक कितना है, x प्लस
वाई बराबर 7, तो यक्स का मान कितना है 5 प्लस वाई बराबर 7। अब वाई बराबर इधर ये 5 प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 7 माइनस 5, तो वाई का मान कितना आ गया वाई बराबर 2। अब इसमें भी उत्तर की जांच करना है, अब दोस्तों इसमें भी उत्तर की जांच करना है, तो उत्तर जांच करने के लिए किसी भी एक समीकरण लिखते हैं, तो एक हम समीकरण एक में रख देते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं, तो यक्स प्लस वाई बराबर 7, तो यक्स का मान कितना है 5 प्लस वाई का मान कितना है 2 बराबर 7, तो 5 और 2 7 अर्थात यल एच एस बराबर आर एच एस, तो यक्स का मान कितना आया है 5, वाई का मान कितना आया है 2, ये हो गए हमारे आंसर, यक्स बराबर 5 वाई बराबर 2। अब दोस्तों 7 दक्षता अभ्यास 7 7 का चौथा क्वेश्चन है, 7x-2y बराबर 1, उसके बाद 3x+4y बराबर 15। तो देखिए यहाँ समीकरण एक में y का ना तो y का गुणांक बराबर है ना तो x का गुणांक बराबर है, तो गुणांक बराबर करने के लिए क्या किसी ऐसी संख्या से गुणा कराते हैं जो दोनों समीकरण में बराबर हो जाए। तो मान लो समीकरण एक में हम 2 से गुणा करा दें, समीकरण एक में 2 से गुणा करा देंगे तो समीकरण 2 का मान y का मान गुणांक बराबर हो जाएगा, तो 2 × 7 = 14 यक्स। अब एक जब गुणा होता है समीकरण में तो पूरे में होती है, इस पूरे पूरे जितने लिखा है, तो माइनस 2 × 2 = 4y बराबर 2 × 2 = 2, ये हो गया एक। उसके बाद दूसरा है 3x+4y बराबर 15, यह है 2 15, तो हो गया समीकरण नंबर 2। अब गुणांक बराबर वाले के चिन्ह देखते हैं, ए प्लस का है माइनस का है तो क्या है विपरीत संक चिन्ह है, तो लिखेंगे हम घट जोड़ने पर समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, अगर जब समान रहेगा तो लिखेंगे घटाने पर, जब विपरीत रहेगा तो जोड़ने पर, तो ये तो पूरा होगा कैंसिल। उसके बाद 7 × 3 = 10x, सॉरी दोस्तों यहाँ होगा 2 × 7, जब 2 में इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 × 7 = 14, कितना होगा 14, तो 14 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17x बराबर 15 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, तो यक्स बराबर 17, अब ये 17 गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 17 के 17 से 17 जब कैंसिल होगा तो बचेगा 1, तो यक्स का मान हो गया 1। अब वाई का मान निकालने के लिए यक्स का मान किसी भी समीकरण में रख दें, तो चलिए रखते हैं यक्स का मान, चाहे समीकरण 2 में रखें चाहे सेकंड में रखें, हम रख देते हैं समीकरण मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो 2 समीकरण कितना है 3x+4y बराबर 15, 3 × x का मान आया है 1, दोस्तों x का मान 1 आया है प्लस 4y बराबर 15, 3 × 3, अब 4y 15, अब ये 3 × 3 3 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 3, तो वाई बराबर अब 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 12 12, अब जो 4 इधर गुणे में है तो इधर जाएगा किस में होगा भाग में, तो 4, अब 4 में 3 से 12 में भाग देंगे 4 से तो 4 × 3 = 12, वाई का मान आ गया 3। अब चल रहे हैं उत्तर की जांच करते हैं, अब दोस्तों उत्तर की जांच करने में बस वही प्रोसेस है, तो किसी एक समीकरण को हम लिख लेते हैं, तो मान लो समीकरण हम लिख लेते हैं एक ही को, तो समीकरण एक कितना है 7x
माइनस टू आई बराबर एक। तो 7 गुणे यक्स का मान कितना आया है? यक्स का मान आया है 1। माइनस 2 गुणे वाई का मान कितना आया है? 3 बराबर एक। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो होगा 7 91 7 माइनस 2 3 6 बराबर एक। अब 7 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 1 बराबर एक, अर्थात यल एच एस बराबर आर एच एस। तो यक्स का मान कितना आया है? यक्स का मान आया है 1, वाई का मान आया है 3। ये हो गए हमारे आंसर, यक्स बराबर 1, वाई बराबर 3। दोस्तों अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।